नमस्कार दोस्तों, आपको पता है मोदी जी इस बार कितने वोटों से जीते हैं? सिर्फ 1.5 लाख वोटों से। और मोदी को आईना कौन दिखा रहा है? वो तमाम नेता मोदी को आईना दिखा रहे हैं जिनको मोदी ने हाशिए पर रख दिया था। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान, जो अक्सर अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव में कार्य करते रहे हैं, भाषण देते हैं, खूब राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक तौर पर वो एक्टिव नहीं है या राजनीतिक उनको समझ नहीं है, या उन्होंने जो बयान दिया है वो बस ऐसे ही बचपने में बयान दे दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये कार्तिकेय चौहान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और ये भी दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर कि दिल्ली भी मेरे पिता के आगे नतमस्तक है, दिल्ली भी मेरे पिता के आगे नतमस्तक है। ये कार्तिकेय चौहान यहां पर बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। कार्तिकेय चौहान कह क्या रहे हैं यहां पर? कार्तिकेय चौहान कह रहे हैं कि मेरे पिताजी हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान, वो देश भर में जितने भी बड़े नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आए हैं। एक तरह से ये मोदी की राजनीति के ऊपर करारा तमाचा है। देखिए, याद करिए, ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल में विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान मामा की छवि पर मध्य प्रदेश को वापसी बीजेपी की झोली में उन्होंने डालने का काम किया। लाडली बहना के नाम पर और अलग अलग स्कीमें चलाई उन्होंने जिसकी वजह से उनको वोट मिले, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को निकाल करके बाहर रख दिया। और शिवराज सिंह चौहान रोते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए, दूर कर दिया, किनारे कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के खबरें चली कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाएगी, बीजेपी का पूरा संगठन का जिम्मा उनके ऊपर दिया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं मिला। और शिवराज सिंह चौहान को जब सीट मिली लोकसभा की, क्योंकि सीट तो देनी थी, तो शिवराज सिंह चौहान ने उस सीट पर छक्के छुड़ा दिए। सबसे ज्यादा मतों से शिवराज सिंह चौहान जीत करके आए, जो बड़े नेताओं की बात करते हैं उसमें अमित शाह से भी ज्यादा मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जीत करके आए। जबकि एक सच्चाई यह है कि अमित शाह की सीट पर बहुत सारे उम्मीदवारों का पर्चा उठवा दिया गया था, बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपना पर्चा उठा लिया था, लेकिन उसके बावजूद अमित शाह शिवराज सिंह चौहान से आगे नहीं निकल पाए। और आज शिवराज सिंह चौहान के बेटे वो तंज कस रहे हैं मोदी पर, तंज कस रहे हैं अमित शाह पर, तंज कस रहे हैं बाकी उन तमाम नेताओं पर जो ये समझते थे कि हमने शिवराज सिंह चौहान को धकेल दिया है और मोदी और शाह ही बीजेपी है। जो इस बात को कहते थे उन पर जो है शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने सीधे तौर पर एक करारा तमाचा जड़ा है। वो कह रहे हैं, उनकी जुबानी में आपको सुनाता हूं, वो कह रहे हैं कि जितने बड़े नेता हैं इनमें सबसे बड़े नेता की जीत हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान की हुई है, 8.5 लाख वोटों से जीते हैं। कहां मोदी जी 1.5 लाख वोट, और कहां शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोट। अगर ये क्राइटेरिया देखा जाए और इस क्राइटेरिया से अगर नापा जाए तो शिवराज सिंह चौहान वो आज प्रधानमंत्री की रेस में सबसे नंबर वन है। संघ के प्रिय हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ में भी अच्छे संबंध है, मुसलमानों को लेकर के, अन्य धर्मों को लेकर के कोई बहुत जो है वो नफरती छवि भी नहीं है, और बड़े मार्जिन से जीत करके आए हैं। और इससे भी ऊपर एक सबसे बड़ा जो उनके ऊपर ठप्पा है या सबसे बड़ा जो उनका एक क्राइटेरिया है वो ये है कि तकरीबन 15 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर, एक बड़े राज्य के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के बेटे आज नरेंद्र मोदी को चिढ़ाते हुए, या यूं कहें कि संकेतों में ही सही, बहुत कुछ जो है वो कह रहे हैं। आइए एक बार उनकी जुबानी सुनते हैं। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे,
लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। और ये अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे भेरुंदा नसुलागंज, हमारे चकलदी के, लाड़कुई के, गोपालपुर के, हम तुम्हारे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने बहुत कुछ कह दिया, दिल्ली भी नतमस्तक है। वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनकी जवानी, उनका बचपन एक मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में बीता है। ऐसा नहीं कि उनके कोई पिताजी जो है वो 15 दिन पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिनको पता नहीं है कि क्या बयान देना है और क्या बयान नहीं देना है। और राजनीतिक तौर पर लगातार शिवराज सिंह चौहान का बुधनी में चुनाव संभालते रहे हैं, तो उनको खूब अच्छे से पता है, और ये भी पता है कि कौन सा बयान कब देना है, और उनको ये भी पता है कि आज मोदी जी की ताकत खत्म हो गई है या कम हो गई है। और इसलिए आज ये एहसास दिलाया जाए, इसलिए आज ये बताया जाए कि देखिए आपने क्या किया था, आपने मेरे पिता के साथ में क्या किया। और ये नरेंद्र मोदी ने कोई एक नेता के साथ नहीं किया, तमाम नेताओं के साथ यही सलूक किया गया, तमाम नेताओं को इसी तरीके से एक एक करके हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन आज वो तमाम नेता एक एक करके साइडलाइन होते चले गए और एक एक करके अपने वजूद को तलाश रहे थे, और जैसे ही उभर करके सामने आए आज मोदी जी के सामने खड़े हो गए। एक बार वसुंधरा राजे को भी चेक करिए उनका ट्विटर हैंडल कि क्या उन्होंने बधाई दी है कि नहीं दी है। तो शिवराज सिंह चौहान के बेटे वो यहां पर नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि देखिए एक नेता है, इकलौते नेता है जो आपसे 7 गुना ज्यादा वोटों से जीत करके आए, और शिवराज सिंह चौहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान, मुझे अच्छे से याद है जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस वक्त में किस तरीके से मंच पर उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, पोस्टरों में किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय थे, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे, उन्होंने अपनी पहचान को कायम रखा, लेकिन दिल्ली उनको इग्नोर कर रही थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह जानते आप क्या थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, उनकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शिवराज सिंह चौहान अगर इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते, अगर इस बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। और आज जरा एक बार ये सिनेरियो याद करिए, और मोदी जी की और 10 सीट कम हुई होती तो खुल करके शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी के अंदर बगावत हो उठी होती, और शायद 6 महीने पहले, साल भर पहले मोदी जी को इस बात का इल्म भी हो गया होगा, उनको एहसास हो गया होगा कि हाँ अब दाल गलने वाली नहीं है, और इसीलिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पहले ही साइडलाइन कर दिया। वरना आज अगर शिवराज सिंह चौहान जीते होते, और उसके बाद में जीते तो हैं ही, उन्होंने भाजपा को जिताया, और उसके बाद में, और उन्होंने अभी अपना विधानसभा से इस्तीफा भी दिया है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री बन गए, कृषि मंत्री मंत्रालय उनको मिला है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर आज कुर्सी पर होते तो 29 सीट मध्य प्रदेश में बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आई है भाजपा वहां पर, और एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा यहां पर। पिछली बार तो कांग्रेस यहां पर एक सीट, छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ अपने बेटे की जितवा पाए थे,
इस बार तो वो भी साफ हो गई। और उसके बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, और वो भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। जीतू पटवारी वो भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए और वो भी कांग्रेस की एक भी सीट खाता तक नहीं खुलवा पाए यहां पर। तो कांग्रेस के लिए भी एक तरीके से वहां पर डाउनफॉल रहा, और शिवराज सिंह चौहान का यहां पर जबरदस्त तरीके से वर्चस्व दिखा। और शिवराज सिंह चौहान वो यहां पर खुल करके एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो मध्य प्रदेश में, अभी जब वो जीत करके गए मध्य प्रदेश में भोपाल में, भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर, तो उनका जो स्वागत हुआ, उनका स्वागत हुआ जिस प्रकार से, जानकार लोग बताते हैं कि ऐसा स्वागत तब भी नहीं हुआ था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के भोपाल आए थे, तब भी ऐसा स्वागत नहीं हुआ था जो स्वागत आज शिवराज सिंह चौहान का हुआ। देखिए, भाजपा में बड़े बड़े लोग हैं जो मोदी जी की और उनकी राजनीति के सताए हुए लोग हैं, और वो सब लोग एक एक करके वो सब लोग इंतजार में बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि कैसे जो है वो बदला लिया जाए। नितिन गडकरी एकदम हाशिए पर डाल दिया गया नागपुर से, इस बार पीछे भी रहे, नितिन गडकरी को अंदर खाने हराने की कोशिश की गई, क्योंकि एक ही नेता ऐसा जिनका काम बोलता है, एक ही नेता ऐसे हैं जिनको सेकुलर लोग से लेकर के और भाजपा के लोग हर कोई पसंद करता है, जिसकी बुराई मोदी भी नहीं कर पाते, अमित शाह का खेमा भी नहीं कर पाता, बीजेपी का ट्रोल आर्मी भी नहीं कर पाता, लेकिन नितिन गडकरी वो भी ताव में है। और नितिन गडकरी जैसे ही अभी बिहार के अंदर पुल गिरा तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये जो पुल गिरा है इसमें बिहार सरकार का लेना देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारा मंत्रालय कोई निर्माण नहीं करवा रहा है। लेकिन कल तस्वीरें निकल करके सामने आई, कल तस्वीरें निकल करके सामने आई, 6 महीने पहले मोदी जी ने जिस पुल का उद्घाटन किया था, जिस पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था अटल सेतु, उसमें दरार देखने को मिली, और कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंच गए, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच गए और डंडा घुसा घुसा करके उन दरारों के अंदर दिखाने लगे कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई, एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से वहां पर भाजपा को और भाजपा की नीति रणनीति को। तो ये जो है इस वक्त में बीजेपी के साथ हो रहा है, जहां पर हर कोई आंख दिखा रहा है। नाना पटोले पहुंचे, और देखिए खबर भी देखिए, 6 महीने में ही मुंबई के अटल सेतु में आई दरार, कल की खबर है, कल शाम की। नाना पटोले जो है वहां पर पहुंचे और वो डंडा घुसा घुसा करके वहां पर दिखा रहे थे कि देखिए साहब कैसे जो है वहां यहां पर दरार आ गई। और उसके बाद में जो है वो कहा गया, सफाई आई इस पर कि ये अटल सेतु का मेन रोड नहीं है, ये अटल सेतु का अप्रोच रोड है, लिंक रोड है। लिंक रोड के अंदर देखिए आप डंडा घुसा घुसा करके दिखा रहे कांग्रेस के लोग, आज बता रहे हैं कि देखिए इतना डंडा अंदर चला जा रहा है। देखिए एक एक फुट तक वहां पर दरार आ गई है, और बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि वहां पर गाड़ियां बड़ी रफ्तार से चलती और जरा सा टायर इस दरार में आएगा पूरी गाड़ी पलट जाएगी। तो ये दरारें आना, ये मोदी जी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इस पर सवाल खड़े कर गया। और सफाई आई कि नहीं साहब ये तो अप्रोच रोड है, अगर ये अप्रोच रोड है तो भी इसमें जो है वो क्यों आ गया, एक बार जरा स्क्रीन पर आप वो लेकर के आइए जो जिसमें दिखाया गया कि किस किस वाहन के लिए कितने कितने रुपए का टोल लगता है, सोने की खान है ये, और जो मुर्गी सोने के अंडे देती हो उसको तो छींक भी नहीं आनी चाहिए, बुखार तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो इतनी देखभाल होनी चाहिए, इतना टेम्परेचर और सब कुछ जो है उसका इतना मेंटेन करना चाहिए। ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, ये उस जो सेतु बनाया गया, ब्रिज बनाया गया है, उसके जो टोल के रेट है वो आप देखिए, मंथली रेट है, एक गाड़ी का पास अगर आप बनवाते हैं, कार का पास, एक कार का अगर आप पास बनवाते हैं तो मंथली आपका कार का पास बन रहा है 12,500 रुपए का, 12,500 रुपए का पास वो एक कार का बन रहा है।
सोचिए जो आदमी कार लेकर के गुजरता है, अब कार में तो जो है वो छोटी गाड़ियां भी आती हैं, अल्टो वेगनार ये सारी गाड़ियां भी कार में ही आएंगी, ये कोई स्कूटर में तो गिनी नहीं जाएंगी। और जो आदमी वहां पर अपने काम धंधे के लिए रोजगार के लिए जा रहा है, जिसकी खुद की तनख्वाह 25-30 हजार रुपए होगी, वो 12 हजार रुपए सिर्फ टोल टोल के दे देगा, 12 हजार रुपए सिर्फ टोल के दे देगा। सोचिए उसके पास में बचेगा, अगर 25-30-35 हजार रुपए में से अगर 12 हजार रुपए टोल के दे देगा तो उसके पास में तो 20-22 हजार रुपए बचे। 20-22 हजार में फिर वो मुंबई जैसे शहर के अंदर किराए पर भी रहता होगा, अपना घर भी नहीं होगा शायद, तो कैसे होगा। और उसके बाद में जो बड़े व्हीकल हैं उनका तो आप देखिए, बड़े व्हीकलों का 79 हजार रुपए का मंथली पास है, मतलब कि 1-1 लाख रुपए। और ये अगर आप महीने साल के हिसाब से अगर आप करेंगे तो लाखों रुपए में जा रहा है, लाखों रुपए में 1-1 गाड़ी लाखों रुपए दे रही है टोल का। और जाहिर सी बात है जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको तो वहां पर जो है वो ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए जाना है या एक महीने के लिए जाना है, उनका तो रूट वही है, उसी रूट से जाना है। और लाखों रुपए का जो पास के तौर पर पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपए का, वो लोग सोचिए कि अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए, और अप्रोच रोड भी अगर हुआ है तो अप्रोच रोड भी क्यों हुआ है। तो मोदी जी का एक तरीके से जो पूरा सिस्टम था, पूरा स्ट्रक्चर था, वो कोलैप्स कर रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वहां से लेकर के, और सारी चीजें मोदी जी की वो इस वक्त में कोलैप्स कर रही हैं। और देखिए ये स्लोगन क्या दिया गया था, ये स्लोगन क्या दिया गया था जब इस पुल का उद्घाटन हुआ था, ये स्लोगन दिया गया था कि 10 साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम की चर्चा होती थी, आज मोदी जी के आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट पूरा होने की चर्चा होती है। तो अटल सेतु के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने इस बात को कहा था, चमचमाती जगमगाती तस्वीरें दिखाई गई, हीरोइनों को लाया गया यहां पर बॉलीवुड की, और अलग 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 फिल्मी हस्तियां जो है वो यहां पर आई, और उन्होंने कहा कि मुझे मत देखिए, इस अटल सेतु को देखिए। और इस अटल सेतु ने बता दिया कि साहब क्या स्थिति है। तो कल यही सारी चीजें ट्रोल की जाने लगी। पत्रकार प्रिया लिख रही हैं कि करीब 18 हजार करोड़ की लागत से इस अटल सेतु का निर्माण कराया गया था, अभी इस पुल का उद्घाटन हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे, जमकर ब्रांडिंग की गई थी, लेकिन अभी से ये यहां पर धसना शुरू हो गया। इस पुल पर खूब टोल टैक्स वसूला जा रहा है। और ये फिल्म की कोई अभिनेत्री है, मैं तो इनका नाम नहीं जानता हूं, आपने शायद इनका कभी कोई फिल्म देखी हो, हालांकि फिल्म अगर ज्यादा होती तो शायद ये मोदी जी के टोल के प्रचार के लिए नहीं आती। तो ये जो अभिनेत्री हैं, इनको आप देख रहे होंगे, ये अभिनेत्री यहां पर आई थी और इन्होंने वीडियो बनाया, ठक ठक ठक, देखिए जरा क्या हो रहा है, और आज ये लोग कहां पर हैं आपको पता होगा। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से, और अब देखिए कांग्रेस की भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने इस पर ट्वीट किया कि 18 हजार करोड़ रुपए की लागत से बना मुंबई का अटल सेतु, जिसका उद्घाटन मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया था, खूब पीआर हुआ, फिल्मी सितारों का शूट भी कराया गया, पर अब उस पुल की मौजूदा हालत यह है कि जगह जगह दरारें पड़ गई है, इस लूट को क्या नाम दीजिएगा। तो जिनको ट्रोल किया जा रहा था, सुप्रिया सुनेत की एक भद्दी वीडियो निकाल करके जबरदस्ती जो आईटी सेल ट्रोल कर रही थी, क्या वो आईटी सेल वो दिखाएगी कि देखिए कैसे दरारें पड़ रही है, क्या हालत हो गई है। विपक्ष वहां पर जाकर के दिखा रहा है, बता रहा है, और कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव है, ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं। और मोदी जी का जो राजनीतिक रसूख है वो इस वक्त में कितना दांव पर लग चुका है,
मोदी जी का जो राजनीतिक रसूख है उसमें अब कितना जो है फेर बदल हो गया है ये अब आपके सामने है। और मोदी अपनी इस नैया को कैसे पार लगाएंगे, मोदी अपनी इस नैया को कैसे पार लगाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आज बन करके खड़ा हो गया है। तो बहरहाल आप लोग शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और चाहे योगा के नाम पर उनकी जो सहयोगी हैं, गठबंधन के साथी हैं, वो आज उनसे किनारा कर रहे हों, चाहे भाजपा के लोग उनको आंख दिखाने का काम कर रहे हों, या चाहे मोदी जी के जो नारे थे कि सबका साथ सबका विकास और ये सारी बातें, या फिर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या फिर घोटाले नहीं होने दूंगा, वो सब स्कैम के नाम पर हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे वो नीट में धांधली का मामला हो, चाहे वो मुंबई के अटल सेतु पर दरार का मामला हो। तो बहरहाल बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, कई सारी चीजों पर हमने चर्चा की है। आप इस खबर को आगे तक पहुंचाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।